आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। तेज खबर 24 में आज हम फिर हाजिर हुए हैं रीवा जिले की कोरोना अपडेट रिपोर्ट के साथ। रीवा में कोरोना से जुड़ी हुई बेहद ही राहत भरी खबर है, क्योंकि बीते 2 माह के बाद अब रीवा में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब इकाई की संख्या में पहुंच गया है। जी हां, शुक्रवार को जिले में जारी हुई हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक रीवा में महज 9 नए संक्रमित केस सामने आए हैं, जबकि 39 लोग स्वस्थ हुए। रीवा में अगर एक्टिव केसों की बात करें तो शुक्रवार को 39 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद यहां सिर्फ 119 केस ही एक्टिव बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से रीवा में पॉजिटिव केसों की दर में गिरावट आई है, उसके बाद रीवा अब जल्द ही कोरोना से मुक्त हो सकता है। दरअसल शुक्रवार को जारी हुई हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक जिले में 9 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में 4 जून को 1,445 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 9 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित मरीजों में रीवा शहरी क्षेत्र सहित गोविंदगढ़, मऊगंज, हनुमाना तथा जवा में एक एक व्यक्ति और नई गढ़ी व त्योथर में 2-2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुए हैं, जबकि गंगेव, रायपुर, करचुलियान में संक्रमितों की संख्या 0 बताई गई है। आपको बता दें कि बीते 15 अप्रैल के बाद से जिले में कोरोना संक्रमण की गति में तेजी से गिरावट आई है। यहाँ कई दिनों तक नए मरीजों के मिलने की संख्या 350 के करीब बनी रही, लेकिन कोरोना कर्फ्यू की वजह से इसमें धीरे धीरे कमी आई और संख्या घटने लगी। वर्तमान में कोरोना की पॉजिटिव दर 1% से भी नीचे आ गई है। बताया गया है कि शुक्रवार को 9 मरीजों के मिलने के साथ ही 39 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव केसों की संख्या महज 119 ही बची है। वहीं कोरोना संक्रमण से जिले में 4 लोगों की मौत हुई, जिनका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कराया गया है। हम आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार को रोकने में स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस की अहम भूमिका है, जिनकी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कोरोना दम तोड़ता नजर आ रहा है। रीवा में जिस तरह से कोरोना की पॉजिटिव दर घटी है, उससे माना जा रहा है कि जल्द ही रीवा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 0 हो जाएगी।